अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब अप्लाई होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लेट से हमने ये कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है यू और एक फंक्शन है वी, और मुझे इन दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस केस में हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल होता है, एक फंक्शन को आप यू कह देंगे और एक फंक्शन को आप वी कह देंगे। तो यू वाला फंक्शन एज इट इज आ जाता है और इंटीग्रेट करते हैं हम वी के फंक्शन को, माइनस इंटीग्रल, फिर हमारे पास यहाँ पे यू का डेरिवेटिव आता है और इंटीग्रल ऑफ वी आता है, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, राइट? तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि यू का फंक्शन है और एक वी का फंक्शन है। यहाँ पे यू का फंक्शन पहली टर्म में एज इट इज है और वी का इंटीग्रल है। बीच में माइनस का साइन, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, बीच में माइनस का साइन आता है, और फिर इंटीग्रेट करना है किसको, यू का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ वी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास लेट से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यू किसको लेट करें और वी किसको लेट करें, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है कि आप यू का फंक्शन एक्स स्क्वायर को ले रहे हैं या यू का फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेक्निक यूज करनी है और उस टेक्निक का नाम है आई लेट। ये टेक्निक हमें बताती है कि आपने यू किसको चूज करना है, फॉर यू, कि आपने यू वेरिएबल किसको सेलेक्ट करना है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शंस, ए स्टैंड फॉर अल्जेब्रिक फंक्शंस, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर आपके पास फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है, तो इसका मतलब है कुछ साइन इनवर्स इस तरह से आपके पास होगा, या कोई कॉस इनवर्स की टर्म होगी, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स होगा। एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शंस, और लॉग में आपके पास किस तरह के फंक्शंस आ सकते हैं, एल एन एक्स आ सकता है, या कोई एल एन का या कोई लॉग का फंक्शंस आपके पास आ सकता है। अल्जेब्रिक फंक्शंस, अल्जेब्रिक फंक्शंस में किस तरह के फंक्शन आपके पास आएंगे, जो पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, एक्स क्यूब आ गया, एक्स की पावर 8 आ गई, 3x² आ गया, ये अल्जेब्रिक फंक्शंस आ सकते हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स ले लें या कॉस एक्स ले लें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम कोई भी इस तरह से एक्सपोनेंशियल 3x है या 2 की पावर x है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, जिस तरह यहाँ पे एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपने ये देखना है कि अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ए पहले आ रहा है, तो आपने ए यू ए जो है वो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको आपने यू लेट करना है, क्योंकि अल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको आपने यू सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अल्जेब्रिक फंक्शन को हमने यू सेलेक्ट कर लेना है और वी सेलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल एक्स को। तो ये वाली टेक्निक अगर आप याद रखेंगे, तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली हमें यू की सिलेक्शन आसान हो जाएगी, कि हमने यू किसको सेलेक्ट करें और वी किसको सेलेक्ट करें, राइट? यहाँ से जो फंक्शन पहले आ रहा है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक का है, तो इनवर्स वाले को आपने यू सेलेक्ट करना है, राइट? अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम। हमने यहाँ पे यू लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को और वी लेट कर लिया एक्सपोनेंशियल एक्स को। अब इस बायपार्ट्स के फॉर्मूले में देखें, यहाँ पे यू एज इट इज है और एक यू यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि यू का डेरिवेटिव, तो हमें सिर्फ यू का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा 2x, और वी का हमें डेरिवेटिव कहीं पे भी नहीं चाहिए, वी का हमें इंटीग्रल चाहिए, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स। अब यहाँ पे हमने u का डेरिवेटिव ले लिया, इंटीग्रल ले लिया v का, क्योंकि यहाँ पे u का डेरिवेटिव की नहीं रहे फॉर्मूले में और v के इंटीग्रल की नहीं रहे, तो अब हम ये वैल्यूज उठा के अपने फॉर्मूले में डालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
अब ये इक्वल आ जाएगा यू एज इट इज, ये वाला यू एज इट इज है, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी। इंटीग्रल ऑफ वी किसके इक्वल है, हमने पहले ही निकाला हुआ है एक्सपोनेंशियल एक्स के, बीच में माइनस का साइन, और फिर इंटीग्रेट करना है यू का डेरिवेटिव। यू का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, 2x, और इंटीग्रल ऑफ वी एक्सपोनेंशियल एक्स साथ में डीएक्स। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करने से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2 को हम इससे बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये रह जाएगा एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स। अब ये अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे अगेन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, और ये किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2 इंटीग्रल एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स। अब इसमें भी हमने यू और वी की सिलेक्शन करनी है, अगेन एक को यू लेना है और एक को वी लेना है, तो रूल्स के अकॉर्डिंगली इसको हम यू ले लेते हैं, यानी कि यू एक्स हो जाएगा, और हमें फिर यू का डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि 1 होगा, और वी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स ले लेते हैं, और वी का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है, और इंटीग्रल ऑफ वी एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी माइनस 2 के साथ। अब अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स का, यू एज इट इज यानी कि एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी, इंटीग्रल ऑफ वी का मतलब है एक्सपोनेंशियल एक्स, बीच में माइनस का साइन, यू का डेरिवेटिव इक्वल है 1 के, और इंटीग्रल ऑफ वी जो कि है एक्सपोनेंशियल एक्स। अब ये वाली टर्म तो बाहर आ जाएगी, ये है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2x एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल एक्स रह गया, एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, देन प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एंड में डाल देंगे। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 2x और यहाँ से प्लस 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको हमने बाय पार्ट्स की हेल्प से किस तरह से इंटीग्रेट किया, बस बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरी चीज ये आपको याद रखना है कि यू किसको सेलेक्ट करें, तो यू की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई लेट मैंने भी आपको टेक्निक बताई है उसके अकॉर्डिंगली यू की चॉइस आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह के फंक्शन को हमने यू लेट करना है। और फिर अगर हमारे सॉल्यूशन में दो बार या तीन बार जितनी भी बार उस पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग रहा है, जब तक वो वैनिश नहीं हो जाता इंटीग्रेट का साइन, हमने इस पे एक दफा यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाया, यानी कि इस पूरे फंक्शन पे बाय पार्ट्स लगाया, और एक दफा यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास है इंटीग्रल एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स। अब इसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इंटीग्रेट करना है, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और उसे इंटीग्रेट करना हो तो इसका मतलब है उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से ही हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगेन यू किसको सेलेक्ट करें, तो आई लेट के अकॉर्डिंगली हमने एक्स क्यूब को यू सेलेक्ट करना है, तो यू आ गया हमारे पास एक्स क्यूब और वी आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स। यू का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि है 3x स्क्वायर, और v का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है जो कि एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा। तो बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, u एज इट इज है, पहले वाले में u एज इट इज का मतलब है एक्स क्यूब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ v यानी कि एक्सपोनेंशियल एक्स साथ में dx। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स। अब ये अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोबारा से यू सेलेक्ट करेंगे हम किसको, एक्स स्क्वायर को, और वी सेलेक्ट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल एक्स को। यू का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि हो जाएगा 2x, और वी का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है इंटीग्रल ऑफ वी जो कि एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं दोबारा से,
तो इस वाली इक्वेशन में तो एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स तो एज इट इज रहेगा, -3 भी एज इट इज रहेगा। अब इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करें, यू एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 2x और एक्सपोनेंशियल एक्स साथ में डीएक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स -3 एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस माइनस प्लस, ये 2 को बाहर निकाल दें, 3 2 6 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है हमें एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स को, यहाँ पे अगेन बाय पार्ट्स लगेगा। अब इसमें दोबारा से एक्स को यू ले लेते हैं और वी को एक्सपोनेंशियल एक्स ले लेते हैं, यू का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और वी का इंटीग्रल आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स ही। तो शुरू की दो टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी, यानी कि एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3 x² एक्सपोनेंशियल एक्स +6। अब इस पे अगेन बाय पार्ट्स लगाते हैं, यू एज इट इज यानी कि एक्स इंटीग्रल ऑफ वी यानी कि एक्सपोनेंशियल एक्स बीच में माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव जो कि 1 है और इंटीग्रल ऑफ वी जो कि एक्सपोनेंशियल एक्स डीएक्स है। तो ये टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगी, एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3 x² एक्सपोनेंशियल एक्स +6 x एक्सपोनेंशियल एक्स ±6 और एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा +c। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स को कॉमन ले लेते हैं हम और अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब -3 x² +6 x -6 +c और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट ये हमने बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन करते हुए यहाँ पे 3 बार बाय पार्ट्स अप्लाई हुआ है। एक दफा हमने यहाँ पे अप्लाई किया, देखें 3 x³ को हमने रिड्यूस किया 3 x² आ गया, फिर 3 x को रिड्यूस किया तो 2 x आ गया, फिर 2 x को रिड्यूस किया तो यहाँ पे x आ गया है राइट। और फिर यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेट कर दिया एक्सपोनेंशियल एक्स को, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स। तो अगेन यहाँ पे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि यू किसको लेट करें और वी किसको लेट करें। तो आई लेट में मतलब ये वाला जो मेरे पास था तो इसमें अल्जेब्रिक पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो यू लेट करना है हमने एक्स को और वी लेट करेंगे हम कॉस एक्स को। तो u का डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि आ जाएगा 1 और v का इंटीग्रल चाहिए होता है जो कि आ जाएगा साइन एक्स। अब इस फॉर्मूले में डालते हैं हम इंटीग्रल x cos x, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं dx, तो u एज इट इज आएगा, इसका मतलब है x एज इट इज आएगा, इंटीग्रल ऑफ v जो कि साइन एक्स हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेट u का डैश यानी कि 1 और साथ में इंटीग्रल ऑफ वी जो के है साइन एक्स। तो ये हमारे पास एक्स साइन एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक ऑलरेडी माइनस मौजूद है प्लस हो जाएगा देन कॉस एक्स +c और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट हमने कितनी इजीली बाय पार्ट्स की हेल्प से अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, यानी कि एक ही बार बाय पार्ट्स लगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हमने अपने इस इंटीग्रल को जो कि इंटीग्रेट एक्स कॉस एक्स था इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं और पार्ट 4 में हमारे पास है इंटीग्रल ln x dx। स्टूडेंट अब ये एक ही फंक्शन है
और फंक्शन एक ही है लेकिन हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम ये सपोज करेंगे कि इसके साथ वन भी मौजूद है, क्योंकि जब तक दो फंक्शन नहीं लिखे होंगे तो इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब एक फंक्शन है वन और दूसरा फंक्शन है हमारे पास एल एन एक्स। तो यहाँ पे ये जो लॉग का फंक्शन है, क्योंकि आई लेट के अकॉर्डिंगली लॉग का फंक्शन आप यू सेलेक्ट करें क्योंकि एल पहले आ रहा है, और अल्जेब्रिक फंक्शन को आप बाद में सेलेक्ट करें जो कि जिसको बी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यू हो जाएगा हमारे पास एल एन एक्स और यहाँ पे वी हो जाएगा हमारे पास वन। यू का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और वी का जब इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जस्ट एक्स। अब इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करें, और बाय पार्ट्स हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यू एज इट इज, यानी कि एल एन एक्स एज इट इज वी का इंटीग्रल जो कि एक्स हमने भी निकाला है, बीच में आएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेट यू का डैश यानी कि यू का डेरिवेटिव जो कि है वन अपॉन एक्स, और इंटीग्रल ऑफ वी जो कि है एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, ये है एक्स इंटू एल एन एक्स, माइनस सिर्फ वन रह गया, और वन का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एल एन एक्स माइनस वन प्लस सी। और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो अगर एक फंक्शन है और उसको आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको बाय पार्ट से ही सॉल्व करना है, तो दूसरा फंक्शन आप वन ले लें, वन से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय पार्ट से। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन वन का फाइव पार्ट करने जा रहे हैं, और फाइव पार्ट में हमारे पास दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें देखना है कि किसको यू सेलेक्ट करें और किसको वी सेलेक्ट करें। तो एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निक। तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर को हम यू लेट करेंगे और वी लेट करेंगे हम साइन एक्स को। U का डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है जो कि है 2x, और v का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है जो कि है माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले पे पुट करते हैं, u एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v यानी कि माइनस कॉस एक्स, बीच में आएगा माइनस का साइन, इंटीग्रल u डैश यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2x, वी का इंटीग्रल ही आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। पहले से निकाल के रखा हुआ है, बस हमने वैल्यूज पुट करती जानी है। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, और टू को बाहर निकाल देंगे हम, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें अगेन हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, और इसमें दोबारा से एक अल्जेब्रिक फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्स को हम यू लेट कर लेंगे, यू इक्वल्स टू एक्स, और यू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, और वी हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पे हम दोबारा से पुट करते हैं, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू, u एज इट इज होता है यानी कि x, इंटीग्रल ऑफ v ये आ जाएगा हमारे पास साइन x, बीच में है माइनस का साइन, इंटीग्रल x का डेरिवेटिव है वन, और इंटीग्रेशन ऑफ v साइन x। तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस माइनस माइनस टू, साइन का इंटीग्रल हमारे पास है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। चाहें तो इसको फाइनल रिजल्ट बना लें, या फिर यहाँ से टू कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स में से, तो हम टू कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये वाली टर्म हम बाद में लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
प्लस सी, तो ये भी हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसका पार्ट सिक्स करने जा रहे हैं, और पार्ट सिक्स में हमारे पास इंटीग्रल है एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब दोबारा से एक अल्जेब्रिक फंक्शन है हमारे पास और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स को हमने यू लेट कर लेना है और वी लेट करना है हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स को। तो u का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि है 1, और v का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है, तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब फॉर्मूले में डालते हैं हम इसे, तो पहला u एज इट इज यानी कि x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v यानी कि माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश यानी कि u का डेरिवेटिव जो कि 1 है और इंटीग्रल ऑफ v जो कि माइनस कॉट एक्स है। ये हो जाएगा यहां से माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉट एक्स डीएक्स। तो माइनस एक्स कॉट एक्स तो एज इट इज रहेगा, और कॉट एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है एल एन साइन एक्स। तो कॉट का इंटीग्रल आपको फॉर्मूला याद होगा तभी पुट कर पाएंगे, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो एल एन साइन एक्स को पहले लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव का है, माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस सी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट, तो हमने बाय पार्ट्स की हेल्प से इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। इसमें एक फंक्शन अल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे भी जो अल्जेब्रिक फंक्शन है इसको यू लेट करना है, यू इक्वल्स टू एक्स और वी इक्वल्स टू हमने ले लिया सेक स्क्वायर एक्स। यू का डेरिवेटिव चाहिए होता है यू डैश जो कि 1 आ जाएगा, और वी का इंटीग्रल चाहिए होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा एल एन कॉस एक्स माइनस एल एन कॉस एक्स। राइट, अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो इंटीग्रल एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू यू एज इट इज यानी कि एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी जो कि है माइनस एल एन कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव जो कि 1 है sec स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 10x। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट करते हैं। sec स्क्वायर का इंटीग्रल है 10x। राइट, तो यहाँ पे भी 10x प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स 10x माइनस, अब इंटीग्रेशन लेना है 10x का, तो 10x का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये होता है माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एक्स 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में एल एन कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करने जा रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है, और इसमें हमारे पास फंक्शन है एल एन एक्स का स्क्वायर डीएक्स। अब अगेन यहाँ पे एक ही फंक्शन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व करें, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि दूसरा फंक्शन जो है वो 1 है, क्योंकि बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन जरूरी हैं यू और वी का। तो यहाँ पे जो अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है, तो लॉग वाले फंक्शन को हमने यू लेट कर लिया, U हो गया एल एन एक्स का स्क्वायर और V हो गया 1। U का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एल एन एक्स तो 2 पहले आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट में आ जाएगा 2
ln x, और ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, जो के अपॉन x में इस तरह से लिख दिया हमने, और इंटीग्रल ऑफ v क्या आ जाएगा, सिंपल x। अब इधर हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा u एज इट इज, u क्या है ln x का स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ v जो के है x, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव जो के है 2 ln x अपॉन x, और इंटीग्रल ऑफ v जो के है x साथ में dx। इस x से x कैंसिल हुआ, ये हमारे पास रह गया x ln x का स्क्वायर, माइनस 2 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल ln x dx। अब यहाँ पे अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, क्योंकि ln x को हम बाय पार्ट्स की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन 1 कंसीडर करेंगे और एक है ln x, तो यहाँ पे u को ले लेंगे ln x और v को ले लेंगे 1। u का डेरिवेटिव चाहिए होता है, 1 अपॉन x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, v का इंटीग्रल चाहिए होता है जो कि x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगेन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x ln x का स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा -2। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, u एज इट इज, u क्या है ln x, v का इंटीग्रल यानी कि x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव जो कि है 1 अपॉन x, और इंटीग्रल ऑफ v जो कि है x साथ में dx। तो यहाँ पे x ln x का स्क्वायर -2 x ln x माइनस माइनस प्लस 2 x से x कैंसिल आउट हुआ, 1 का इंटीग्रल x देन प्लस c। तो ये हमारा रिजल्ट है, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो 2 कॉमन ले लें, अगले स्टेप में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2 x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 रह जाएगा और यहाँ से माइनस के साथ ln x रह जाएगा प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।